अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि खबर ये है कि कोलकाता के कई रेस्टोरेंट में आजकल मटन चिकन के नाम पर कुत्ते और बिल्ली का गोश्त खिलाने का सिलसिला चल निकला है। चौंकिए मत, क्योंकि बात सही है। इस तरह की बातें जब आम हुई तो एक रेस्टोरेंट में छापा मारा गया। जानते हैं उस रेस्टोरेंट से 20 टन कुत्ते और बिल्ली का गोश्त बरामद हुआ। ये गोश्त फ्रिज में सामान्य मटन चिकन के साथ मिलाकर रखा हुआ था। इस खबर के बाद कोलकाता में गोश्त की बिक्री में काफी गिरावट आ गई है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया ने एडवाइजरी जारी करके सभी रेस्टोरेंट मालिकों से कहा है कि वो रजिस्टर्ड मीट सप्लायर से ही मीट खरीदें। लेकिन स्थिति अब यह है कि जहां छोटे रेस्टोरेंट में 25 से 30 किलो मांस बिकता था, अब वो मांग 7 या 8 किलो तक ही रह गई है। हालांकि कुछ लोग इसे अफवाह भी बता रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन दिनों कोलकाता में वेज फूड की मांग तेजी से बढ़ी है।